हेलो नमस्कार दोस्तों, दिलीप एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है अपना जो है साइंस का जो अंतिम प्रहार बैच था उसका पार्ट टू चलने वाले हैं। तो आइए देखिएगा, पार्ट टू में हम लोग करने वाले हैं अगले चैप्टर को। और अगर आप इसको प्रॉपर ले रहे हैं तो आपका जो है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना तो आप जरूर यकीन कीजिएगा। देखिएगा एक काफी लाइन आपके सामने में लिखी हुई है, लिखा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है अगर आपको बाज की तरह उड़ना है, अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। जो तितलियां है ना उसका आपको साथ छोड़ दीजिए देना होगा, तो आपको लोग जो है 10 साल बाद आपकी हैसियत पूछेंगे, ना कि ये नहीं पूछेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड थी या नहीं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड थी या नहीं, आपकी हैसियत पूछेंगे। जैसे ही आप अगर बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में पूछेगा कितना नंबर आया रे, तो ले अरे यार ये हो गया, फेल हो गए या सेकेंड हो गया। तो वो चीजें आप इग्नोर करेंगे। और अगर आपका मार्क्स अच्छा मार्क्स आया तो आप बिल्कुल शान से बोलेंगे 450 नंबर आया है मेरा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, तेज बच्चा है तो लोग समझ जाएगा। चलो बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए पहला आज जो है, कल हम लोग कल की वीडियो में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब अगला जो आज हमारा चैप्टर है वह है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल लिखा गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है, मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस लगा होता है। तो आप लोगों को पता है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर टू में, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं बच्चों, तो आयरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयरिस कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर तीसरा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। नंबर तीसरा में लिखा गया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है, मतलब क्या कारण है। तो इसका सीधा ये जो है एक प्रकार का डिफिनेशन लिख दिया है, तो इसका सामंजन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नंबर फोर में लिखा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। तो ये प्रश्न जो है हम लोग मॉडल सेट में भी कर चुके हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर देखिएगा पांचवा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, देखिएगा लिखा है, नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल, क्या हो जाएगा बच्चों, दृष्टि पटल पे निर्माण होता है। अगला 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट जो है दूरी पूछा जा रहा है कितना है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो वो आप लोगों को हम जस्ट इसके पिछले क्लास में भी बता रखे थे कि इसका जो है स्पष्टतम जो दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, एक मिनट आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये धुंधला दिख रहा है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो ये जो है पक्षांभी पेशियों के द्वारा
परिवर्तित की जाती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 8 सवाल। देखिए ये जितने भी सवाल हैं काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, इस सीरीज को ले लेते हैं ना, तो आपका काफी ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे और मार्क्स कटने की संभावना बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। लिखा है आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका नियंत्रित भी क्या कौन करता है, पक्षांभी मांसपेशी करती है। कौन करती है, पक्षांभी मांसपेशी करती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है देखिएगा, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, जो हमारी आंख होती है उसमें जो है पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, तो कैसा बनता है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है मनुष्य की नेत्र में जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा हर हमेशा बालक, क्या कि यदि उल्टा इमेज बना तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा गुरुजी। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सीधा, तो वो आभासी होगा। फिर कैसा प्रतिबिंब होगा बच्चा, आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सीने में आग दहक रहा है तो फिर आप जो है इस सीरीज को कंटिन्यू लेना, हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका मार्क्स नहीं कटेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नंबर 9 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नंबर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये हो चुका था। ठीक है, ये हो चुका था वास्तविक तथा उल्टा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर 10 की तरफ। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, यहाँ पे दूर बिंदु, रे देख के जरा बढ़िया से, ये मॉडल पेपर में भी दिया गया था ये सवाल, यहाँ पे पूछा जा रहा है दूर बिंदु। अब बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, फट से अरे नो 25 सेंटीमीटर कहाँ मार, 25 सेंटीमीटर देखा न कि उसका दिमाग जो है ना दौड़ने लगता है, नंबर नोनो बोरम चल जाते देख लिया। ठीक है, इसीलिए यहां देखिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, अनंत इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां दूर बिंदु पूछा है, न्यूनतम दूरी पूछता कि न्यूनतम सुस्पष्ट किसी वस्तु को देखने का सुस्पष्ट जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब जाकर के 25 सेंटीमीटर मारेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे दूर बिंदु पूछा जा रहा है, दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो अनंत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला लिखा हुआ है 11 नंबर में, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु क्या है। देखिए वही प्रश्न आ गया, इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 12 नंबर में, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। बोल अब बताओ, ये सब प्रश्न नहीं बनेंगे, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए। नंबर 13 की ओर चलते हैं, बताइए आंसर क्या होगा नंबर 13 का। लिखा है जरा दूरदर्शिता होने का क्या कारण है, जो जरा दूरदर्शिता है उसका होने का क्या कारण है, तो जरा दूरदर्शिता जो होता है उसमें क्या होता है, सामंजन क्षमता घट जाती है, नेत्र की जो सामंजन क्षमता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह क्या कहलाता है, तो समायोजित जो कर लेता है उसको तो हम सामंजन क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। पूछा परावर्तन और अपवर्तन, अरे नो, पहले वाला वीडियो तो देख लेना जाके, ये दोनों तो क्लियर हो जाएगा रे।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर में लिखा हुआ है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? लिख ले रे, लिख ले। प्रश्न आई तो रे एग्जाम में, छप गया, ये छपेगा, पूछा जा रहा है। इथो मॉडल पेपर में भी आया था, तो इसका प्यूपिल, पुतली बताए थे ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्यूपिल हो जाएगा, पुतली हो जाएगा। पुतली क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। कभी आप लोग नोटिस किए होंगे कि अचानक अगर अंधेरे कमरे से अचानक बाहर चले जाते हैं तो हम उसको डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, तो ये चीजें होता है। तो उसको जो है, वो प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो प्यूपिल करता है, इस जगह होती है प्यूपिल, प्यूपिल उसको नियंत्रित करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्या है बताइएगा? लिखा हुआ है, जब हम सामान्य नेत्र से किसी बिंब की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस की प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है? तो बिल्कुल इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पे बोला क्या है कि जब हम नेत्र से किसी बिंब को दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब में क्या होता है? वस्तु तो दूर ले जाएंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी दूर आगे पीछे होगा क्या? नहीं होगा। तो इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे बाबू क्या लिखा हुआ है, किस दृष्टि दोष में, यहां पे आप देखिए दृष्टि दोष कितना सारा है। अब तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और बिंदुकता, जरा दृष्टि दोष, चार तो होता है ना। तो देखिएगा, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, तीन बेसिकली दिया गया है। अब यहां पूछा जा रहा है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। अगर मान लीजिए ये आपका कुछ इस प्रकार से नेत्र बना हुआ है, इस प्रकार से बना नहीं मेरा सही से, फिर भी हम नेत्र बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पे रेटिना होती है, यहां इस जगह, तो यहां से जब प्रकाश जाती है तो इसका जो प्रतिबिंब है ना, ये इधर ही बन गया, इधर ही बन गया। तो यहां पे बोला जा रहा है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। यहां रेटिना है, बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन बन गया कहां पे प्रतिबिंब? यहीं पे बन गया। तो ये किस में होती है, किस दृष्टि दोष में होती है? तो बाबू इन निकट दृष्टि दोष में होता है। किस में होता है? निकट दृष्टि दोष में होता है। समझ में आ रहा है रे? लाइक कर दो जरा, तो समझ में आ रहा है। तो 18 नंबर चलते हैं, 18 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? ये वाला प्रश्न तो एक तो ऐबे कर तो रे, इसीलिए लिख के रखना उसको। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को एक दो तीन, तीन बड़ा बड़ा, तो इसका भी बड़ा एक तरीका बताते हैं, बड़ा टेक्निकल चीज है, हो की पता तरह समझे में आवी जा रहे। निकट, निकट में तीन अक्षर आ, एक होता है दूर दृष्टि दोष, माने एकरा में दो अक्षर आ एकरा में तीन अक्षर, तो एकरा में बड़का वाला बड़का करो साथ, अवतल बड़का लेटर ढेर से नीचो, एक दो तीन चार पूछो, एकरा में उत्तल 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 ले। अब बताओ कि दिक्कत, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस से। किस लेंस से रे नुनमा? अवतल लेंस से। आ दूर दृष्टि दोष छोटका वाला है तो इसको किससे दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से। याद रहेगा ना, भूलेगा नहीं ना, लिख ले इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? अवतल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, 19 नंबर दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं 19 नंबर। हम देखिएगा 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान वाला प्रश्न है। लिखा है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो आपको बताए, दोनों ठो समझा दिए हम, बड़ा वाला के साथ, बड़ा वाला शब्द छोटा वाला शब्द छोटे वाले शब्द के साथ, बड़ा वाला शब्द बड़े वाले के साथ, छोटा वाला छोटे वाले के साथ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? उत्तल हो जाएगा। 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, लिखा है, जरा दूर दृष्टि को किस लेंस से
दूर किया जाता है। तो जरा है ना मतलब बायोफोकल, इसमें द्विफोकसी लेंस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे बच्चा? द्विफोकसी, फोकसी, द्विफोकसी लेंस, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल 21 नंबर लिखा है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? नोनो लिखा है अवतल, बड़ा वाला बड़े वाले के साथ, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। किसको दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिठाई खाएगा, ठीक है। लो अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, एक बालक था ऑफलाइन में, हमको आके बोलता है कि सर हम एमए करेंगे, उसमें कौन सा ऑनर्स लेंगे? एमए करेंगे हम, उसमें क्या लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, से लेंगे करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए, लड़का समझना चाहिए कि अब एमए कर रहा है तो वो हमसे सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो ब्याह करने, जब ब्याह शादी करने जाएगा हमसे पूछेगा रे कि कौन सा लड़की से शादी करेंगे? बकलोल। तो इस तरह का लड़का लोग मिलता है, समझ रहे हैं? तो उस टाइम नहीं पूछेंगे, वो अपना पसंद से करेंगे। और अभी इसमें पूछ रहा है सर हम कौन सब्जेक्ट से करेंगे, तो वो तो आपको खुद ना देखना पड़ेंगे रे कि हमको किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, कौन सा सब्जेक्ट हम अच्छे से ट्वीट का पढ़ सकते हैं, किसमें मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसमें हम टैलेंट है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब आप कोई लड़का आके पूछेगा सर हम बीएससी कौन सा ऑनर्स करेंगे, हम बोल देंगे हम साइंस ले ले रहे, पकौड़ा तलना जाके वहां, ठीक है। शादी करने से लड़का सब कभी नहीं पूछेगा, मतलब तो लड़की देख के तुरंत शादी कर लेगा, लेकिन इसके लिए पूछेगा गधा सब। चलो आगे आते हैं, देखिए चलिए सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए इसको थोड़ा सा हम जो है हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे किसका चर्चा हो रहा था, उत्तल है ना, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? उत्तल है मतलब छोटा, छोटा मतलब दीर्घ, दीर्घ दृष्टि दोष, किसको हम दूर करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष से दूर करते हैं। नंबर 23 सवाल देखिएगा, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? अब आपको पता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग निकलती है। जब एक श्वेत प्रकाश को हम ऐसे प्रिज्म से गुजारते हैं ऐसे, तो इधर से जो है 7 रंग निकलती है। कितने रंग निकलती है? 7 रंग, बोल रहे बाबू 7 रंग निकलता है ना, वर्ण विक्षेपण पढ़ा है ना, और कुछ पढ़ा है? 24 नंबर चलो, अब 24 नंबर में लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के किसके कारण बनता है, तो वर्ण विक्षेपण। अभी तुरंत रे बोले रे, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर 25, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? कौन सी घटना सही है? तो वर्ण विक्षेपण इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? वर्ण विक्षेपण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलना है रे, चल अगला सवाल। अब ये अंतिम सवाल आ चुका है, अंतिम तो नहीं है और बस ये अंतिम है, ठीक है। उन 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिखा है तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारे का जो टिमटिमाना, तारा जो टिमटिमाता है, देखे हैं आप लोग रात में आसमान में, देखना ना कैसे टिमटिमाता है, देखिएगा। तो इसका जो है प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है, प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया की वजह से तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आकाश में नीले रंग का कारण है, मतलब आकाश नीला दिखाई पड़ता है तो उसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आप सारे एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से कौन कौन सी घटना होती है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? अब वायुमंडल की उपस्थिति अनुपस्थिति सॉरी हम उपस्थिति बोल रहे थे, अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई कैसा देगा? तो बिल्कुल सर काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को जो है काला ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज का ये अंतिम सवाल है, इस चैप्टर में ज्यादा प्रश्न है नहीं। होप ये जो है आप लोग लिखा है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे का संकेत क्या होता है जरा कोई बताइएगा, लड़की लोग का मांग में क्या भराता है? बोल ना रे बबुआ, आंसर कमेंट बॉक्स में ठोक के जाएगा, नहीं तो बड़ी मार मार बोत रहने का। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं इस सेशन को, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।